चलिए शुरुआत करते हैं गाइस ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और आज की कैंडल की मैं बात करूं तो आज भी ये कैंडल साइडवेज बनी और ये कैंडल बनी एक बेरिश कैंडल जो कि एक स्पिनिंग टॉप और डॉजी काइंड ऑफ अ कैंडल विच इज नॉट अ परफेक्ट स्पिनिंग टॉप और अ परफेक्ट डॉजी बट बीच में कहीं पे ये कैंडल बनी जिसका कोई सरोकार नहीं था मैं अगर दिल पे हाथ रख के बोला कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज का दिन आया और चला गया इंडेक्स वालों के लिए बोल रहा हूँ दिल पे हाथ रखना यह सवाल पूछना और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना कि दिन आया और चला गया पता भी नहीं लगा कि मार्केट कहाँ खुली और कहा बंद हुई मतलब मार्केट ने आज किया मजाक ऐसा मजाक जिसको देख के समझ में नहीं आया कि, कि रोए यहां से देखिए मार्केट खुली गैप आप थोड़ा सा डाउन दिया हमारे उसी लेवल से सपोर्ट लिया इसी में खेलती रही बीच में ना तो हमारे बाइंग लेवल के ऊपर गई ना हमारे सेल लेवल के नीचे आई कहीं पर भी इसने कोई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दी निफ्टी ने जरूर दी एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था लेकिन जो सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपॉर्चुनिटी दी थी मैंने बोला था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है उसका ब्रेकडाउन होगा उसका ब्रेकडाउन हुआ पूरा टारगेट मिला मार्केट ने पूरी रिकवरी भी की <coughs> जैसे कि मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं मैंने ये चार्ट भेजा था बकायदा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है जिसका ब्रेक डाउन हो सकता है मार्केट एकदम नीचे आई पूरा टारगेट नहीं दिया ऊपर गई नीचे आई फिर दोबारा इसने इसका पूरा टारगेट दिया तो हंड्रेड टारगेट दिया ये अपॉर्चुनिटी मैंने जिसको मैंने ट्रेड किया उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं किया पर्सनली मैंने ये सेटअप भी ट्रेड नहीं किया मेरा इंटरेस्ट नहीं था नेक्स्ट के अंदर क्योंकि जितना बड़ा गैप अप हुआ था गैप डाउन होना था लेकिन मार्केट जिस तरीके से साइडवेज हुई और इसका बॉटम नहीं टूटा फिर तो जरूरत ही नहीं थी कि इंडेक्स के अंदर हाथ लगाने का क्योंकि मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही थी और नीचे भी नहीं जा रही थी तो दोनों लेवल्स हमारे नहीं है कोई बात नहीं। हमने स्टॉक्स के अंदर काम किया हमने जहां पैसा बनाया हमने एलटीआई में पैसा बनाया हेवल्स में पैसा बनाया डॉक्टर रेड्डी में हमने काम किया इंडिसन बैंक टू याद हो तो नौ सौ अस्सी रुपए पे बाइंग बोला था लेके भूल जाना लेके भूल जाना और अगर आपको याद हो, याद हो या ना हो मैं दोबारा याद दिलाई अक्टूबर से पहले अक्टूबर खत्म होने से पहले इंडस बैंक को चौदह का मार्क लगाना है एक आज पहुंच चुका है झलक जरूर दिखा दी है जब बैंक निफ्टी गिर रहा था तो इंडसन बैंक ऊपर जा रहा था कोई दिक्कत नहीं दिल बहुत खुश हुआ इंडसन बैंक ने रैली दिखाई जो भागना चाहिए था और ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए और रहेगी चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स बनते हैं और क्या ट्रेड कर सकते हैं गाइस देखो ये ये लेवल्स हमारे युगो युगो से चले आ रहे यही लेवल्स हैं लेवल्स में कोई चेंज नहीं है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं लेवल पिक्चर वहां से आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो कोई जरूरत नहीं है भाग के ट्रेड करने के लिए का मैं आपको ये एक्सटेंड कर देता हूँ ये जो, जो जोन है ना ये ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं मार्केट इसी जोन के अंदर फंसी रह गई इसी जोन के अंदर फंसी रह गई मार्केट कभी निकलने असली मोमेंटम आपको मिलेगा छत्तीस हजार आठ सौ 36,400 के ऊपर या के नीचे बीच का सारा तमाशा क्या हो रहा है क्यों हो रहा है छोड़ दीजिए ये तमाशा आज का नहीं है ये तमाशा काफी दिनों का है अगस्त से चल रहा है सितंबर तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं चलने दीजिए हम भी ढीट बन के नो ट्रेड गाइस नो ट्रेडिंग जब तक हमारे लेवल्स पे नहीं आएगा मार्केट पर ट्रेड नहीं करेंगे सिंपल सा फॉर्मुला मार्केट मैं नहीं करूंगा आपको करना है आप कर सकते हैं गाइस ऑफ कोर्स पैसा आपका आपका डिसीजन आपको ट्रेड करना है पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं अपने व्यू आपको दे रहा हूँ पेपर ट्रेड आप जरूर कर सकते हैं लेकिन मैं पेपर ट्रेडिंग भी काम करूंगा थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी के ऊपर यहाँ मुझे एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी या मैं छत्तीस हजार चार सौ के ट्रेड करूंगा लेवल एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ता इसके नीचे थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड की, की सीई बाय करनी है लेवल देस देस चार्ट। ये रहा बैंक बैंक निफ्टी। निफ्टी निफ्टी की बात करें। अगर बैंक निफ्टी में कोई changes नहीं है, तो गाइस निफ्टी में कैसे कोई चेंजेस हो सकता है निफ्टी में कैसे कोई चेंज हो सकता है अब यहां देखो आज हरकत क्या की निफ्टी ने हरकत क्या की निफ्टी का हमारा एक लेवल था हमने एक लेवल दिया था क्या लेवल था सत्रह इसके ऊपर बोला था हमने बाय किया अगर किसी स्मार्ट ट्रेडर ने खुलते के साथ में ही बाय किया होगा तो आपका पहला टारगेट मिल गया और इस रेजिस्टेंस पे जिसने सेल किया होगा स्कैल्पिंग करते हुए उसको उसको नीचे का टारगेट भी मिल गया देखो हमारे सपोर्ट लेवल पे ही सपोर्ट लिया ये फिमोनाकी के लेवल जिसको मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है वही बनता है हिसाब किताब ठीक है अब ये वाली जोन भी हमारी नो ट्रेडिंग जोन बन गई है मैं इसके अंदर कहीं इंटरेस्टेड नहीं हूंगा खरीदने के लिए बाइंग कहां होगी 17,440 के ऊपर 17,400 की सीई बाई करेंगे 17,440 रुपए के ऊपर 17,400 की सीई बाई करेंगे और सेल कहां करेंगे एक लाइन और आपकी आ, इसमें मैं ऐड कर देता हूं एक लाइन और एड हमने किए गए इसके नीचे सत्रह हजार तीन सौ चौतीस के नीचे आप बाय कर सकते हैं थर्टी फोर पॉइंट के लिए टू फिफ्टी वन टू इलेवन एंड लेवल्स आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे ऊपर के लेवल्स में ऑलरेडी आप आपको दे चुके लेवल इट ट्रेडिंग विद तरुण के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे ठीक है स्पेशल ट्रेड की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट खुलवाया उनको भी मैंने ट्रेड सी you know, uh, थी स्टॉक्स uh, की बिकॉज इंडेक्स के अंदर मोमेंटम नहीं था तो so मैंने उसको स्टॉक्स की ट्रेड काफी अच्छा पैसा बनाया राजा बैटरी uh, अमर राजा बैटरी साथिया, 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 बैंक नवीन फ्लोराइन में काफी अच्छा पैसा बना पी और कुछ स्टॉक जो आपको कल दिए थे उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही नेस्ले का आप, आपका एंट्री मिला बजाज फाइनेंस का एंट्री मिला एल ने बहुत अच्छा मोमेंटम हम अपना पूरा टारगेट दिया एल ने मैंने आपको जो टारगेट दिया था एल का एल ने पूरा का पूरा टारगेट दिया सो so, बहुत सारी अच्छी ट्रेड हमें देखने के लिए मिली ठीक है सर बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल का इसमें आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ ये लेवल्स आपको फॉलो करने मैं अपने ट्रेडिंग भी तरुण के चैनल के ऊपर भी दे दूंगा लेवल्स में कोई चेंज नहीं है मेन फोकस रहेगा कल का कल का भी स्टॉक्स का क्यों मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ क्यों क्यों लोगों को ट्रेड की खुजली है अगर इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे तो कहीं तो करेंगे तो कहा करेंगे हम स्टॉक्स स्टॉक्स के के अंदर अंदर खेलेंगे खेलेंगे ठीक है कैसे चलिए शुरू करते हैं मेरे पास आपके पास कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ सबसे पहला जो स्टॉक मेरे पास आपके लिए है वो है पीरामल इंटर गाइस पीरामल इंटरप्राइजेस पंद्रह मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा छोटा कर करके इसका चार्ट बनता है बहुत अच्छी कंसोलिडेशन इसने की है और अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप की सिचुएशन बनी हुई है और ये मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा कहाँ ब्रेकआउट मिलेगा 2659 2660 के ऊपर आपका एंट्री है सो 20 2660 2660 के ऊपर आपको एंट्री ले लेनी है ठीक है ये आपका एंट्री आप जब लोगे तो आपका पहला टारगेट बनेगा और दूसरा ऊपर की तरफ ठीक है टू एट फाइव फाइव ये स्विंग ट्रेड बनेगी आपकी काफी अच्छी काफी अच्छी स्विंग ट्रेड बनेगी आपके टारगेट जो देखने को मिलेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा रहेगा टू सिक्स वन वन ठीक है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है लेकिन आपका जो ऊपर का स्विंग है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे आप सो so, सुपर से भी ऊपर मिलेगा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सुपर से भी ऊपर मिलेगा क्या है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:4.17 बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सुपर से भी ऊपर है इसको आप ट्राई कर सकते हैं पीएल आप बाय कर सकते हैं स्टॉक नंबर वन स्टॉक नंबर टू हमारे लिस्ट के अंदर गाइज जो है वो है ऑरोफार्मा ठीक है फार्मा सेक्टर से ऑरोफार्मा काफी टाइम से नीचे गिर रहा था अब मुझे लगता है इसका टाइम आ गया है और एक इसने फॉर्मेशन बनाई है इस ये क्या है इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिस्टर शर्मा का फेवरेट चार्ट पैटर्न और ये है कप

सुपर से भी ऊपर हिंदुस्तान पेट्रो हिंदुस्तान पेट्रो ये गाइस है एक रेजिस्टेंस जोन ठीक है ये रेजिस्टेंस जोन है जब ये रेजिस्टेंस जोन टूट जाएगी और रेजिस्टेंस जोन का हाई क्या है 278 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी टू टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक Uh, अगर आप पैटर्न की पूछते हैं तो गाइस ये पैटर्न है बेसिकली हेड एंड शोल्डर ये देखिए ये एक शोल्डर ये इसका हेड और ये इसका शोल्डर इसका अगर हमें टारगेट निकालना हो तो मैं आपके सामने ही निकालूंगा ताकि आपको सीखने को भी मिले ये इसका टारगेट हुआ ऊपर की तरफ ठीक है तो आपको टारगेट क्या मिलेगा फर्स्ट डिटॉक फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट आप लेके चलो थ्री का जो कि एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है एक से दो दिन के अंदर आपको अच्छा टारगेट दे सकता है क्लोजिंग जैसे आपको टू सेवेंटी एट के ऊपर मिलती है आप बाइक कीजिए टू एटी नाइन आपका पहला टारगेट और थ्री हंड्रेड एंड सिक्स आपका दूसरा टारगेट रहेगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए इस एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रेड मैं आपको दे देता हूँ जो बहुत अच्छी है मैंने बहुत लोगों को पहले भी बोला था मैं दोबारा रियाई ट्रेड करके बोला हूँ नाइन हंड्रेड पे बाइंग करवाई थी मैंने इसको वैसे अगर आप देखेंगे तो ओल्ड बाइंग फाइव 540 बट एनीवेज जो हो गया सो हो गया आगे की बात करेंगे जो टारगेट अचीव है उसकी बात नहीं करेंगे आज भी मैंने बोला था कि डेफिनेटली मार्केट में हजार रुपए में मैंने बहुत लोगों को टेलीग्राम के अंदर बाय कराया थाउजेंड रुपीज पे बाय करो मोमेंटम आने वाला है और मोमेंटम इसका आया भी इसने ब्रेकआउट दिया एक और रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर भी बनता है सो so गाइज आप चाहो तो इसको कैश में बाई कर सकते टारगेट जो है फोर्टीन हंड्रेड तक के टारगेट हैं ठीक है आज इसने एक अच्छा उसके आस एक ये बंद हुई है और एक हजार चालीस का जो लेवल है गाइजन जीरो फोर वन फोर टू का एक और रेजिस्टेंस लेवल है हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इफ यू चेक इसने हमेशा गैप अप के साथ में तोड़ा तो आई एम कि कल मार्केट के ऊपर खुलने वाली है बैंक की क्योंकि हमेशा इस, इस थ्री तो जीरो से लेकर वन जीरो के बीच में काफी टाइम बताया था एक बार इसने अगर वन जीरो फाइव टू का लेवल क्रॉस किया और वो सस्टेन किया उसके बाद में माशा अल्लाह मजे आ जाने वाले क्यों ये देखिएगा ये बेसिकली हमारे कपन हैंडल का ब्रेकआउट देगा आपको अच्छा सा अच्छा सा ब्रेकआउट देगा बाय के ऊपर जब जाएगा तो आप एक बाय कर सकते हैं टारगेट विल बी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स रहेगा मतलब मैक्सिमम एक महीने के अंदर मतलब एक महीने टू ट्रेडिंग सेशन इज मंथ सो मंथ के अंदर अंदर आपको वो टारगेट दे, दे देगा ज्यादा हो सकता है um, ज्यादा नहीं हो सकता मतलब मैंने टाइम ज्यादा दिया है uh, हो सकता है सात दिन के अंदर आ जाए दो दिन के अंदर आ जाए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंडस बैंक जब मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था जिस दिन भागेगा तो सिर्फ लोग इंडस बैंक की बात करेंगे आज बैंक निफ्टी गिर रहा था लेकिन बैंक जा रहा था ठीक है सब सीख रहे हैं आपको भी सीखना चाहिए ठीक है घमंड किस, किसी को नहीं करना चाहिए मुझे ट्रेडिंग आ गई है है और मेरे और मेरे है, है? जैसा कोई नहीं आप काम कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो ठोको ताली और साथ के साथ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलेगा आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको मिल सके ठीक है uh, ंड्रेड uh, like uh, uh, रुपीज सुपर से ऊपर अगर उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप स्टॉक के साथ में अकाउंट खुलवाते हैं आपको वी आईपी ग्रुप की मेंबरशिप मिलेगी फॉर लाइफ टाइम दट मीन मेरा सपोर्ट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए

जो जो लोग हमारे साथ अपस्टॉक के साथ में अकाउंट खुलवा रहे हैं आई रिपीट अपस्टॉक के साथ में जो जो हमारे साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके लिए मैं फ्री वर्कशॉप अरेंज करने की कोशिश अक्टूबर सो होल जितने भी लोग के साथ में खुलवाएंगे, उनको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी प्राइस एक्शन सो इट टू वरी अबाउट इट बहुत सारी स्ट्रेटेजी जिनको खुद यूज करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते अकाउंट खुलवाइए विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज कीजिए अकाउंट खुलवाइए थैंक यू